हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल जिसका नाम है एमजी ऑटो ब्लॉग। और आज मैं खुलवा रहा हूं इसमें सफाई कराने के लिए इसका रेडिएटर। और रेडिएटर में बहुत सारा कचरा है इसमें, इसीलिए सॉल्व कराने के लिए इसी प्रॉब्लम को, हीटिंग की। तो खुलवा चुका हूं, अब चलेगा लेके चलेंगे इसे RDC जहाँ सफाई होगी इसकी तरीके से, क्योंकि हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब मैंने इसका ढक्कन भी डलवाया था जिसमें से कूलेंट बाहर बाहर आ रहा था। इस चक्कर में वो प्रॉब्लम रुक गई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भाई कहीं बीच में बंद ना हो जाए हीटिंग के चक्कर में। तो एक और चीज़ सॉल्व करा रहे हैं, रेडिएटर सफाई कराएंगे। खुल तो चुका है, बस अब सफाई करना बाकी है। तो कंडीशन देखो रेडिएटर की कैसी हो रही है। ये बैंड भी था जो कि अभी सही करवा दिया हमने, ठुकवा के लेवल में आ चुका है। तो अगर रेडिएटर आपने अभी तक नहीं कराया है साफ, तो वो भी करा के देख लीजिए। और यहाँ पे एक थर्मोस्टेट वाल्व भी होता है यहाँ पे इस हॉस पाइप के अंदर, अगर वो ख़राब है तो भी ये कूलेंट पूरा घूम नहीं पाता वगैरह वगैरह, दिक्कत आती है हीटिंग के लिए। वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं उसे ठीक करा के। और आज मैंने चेक करा इसमें कार में, तो थोड़ी मिसिंग का भी दिक्कत चल रही थी। तो एक केबल जो यहाँ से इधर जाती है वो केबल ख़राब थी, ये है वो केबल, ये देखो अंदर का हिस्सा फोकस जो कि ख़राब से निकला, जो करंट पास नहीं कर पा रहा था। तो मेरे पास एक केबल रखी थी उसे मैंने चेंज करवा दिया है, रिप्लेस करवा दिया। तो अब ये वाली प्रॉब्लम भी, मिसिंग वाली भी दिक्कत नहीं करेगी। बाकी अभी इसमें स्पार्क प्लग ओपन होंगे और इसकी सफाई होगी कि कचरा वगैरह तो नहीं है। और वीडियो बहुत दिनों बाद बन रही है, समय नहीं मिल पाया, अब मिला है तो काम करवा रहे हैं। देखो गंदगी अंदर ही कर दो। तो अंदर की कंडीशन दिखाते हैं। तो इसे सही कराएंगे और दिखाएंगे आपको आगे की सारे कंडीशन कैसे सफाई होती है। तो ये खोला रेडिएटर तो कितनी मिट्टी चौक पूरा चौक रहा है ना, मिट्टी मिट्टी निकल रही है। और इधर देखो क्या क्या कूलेंट घूमता है इसमें। तो केमिकल से सफाई हो रही है, अब हमारे वाले रेडिएटर का काम शुरू होने वाला है। राजू भाई कर रहे हैं, बहुत बुरा तरह चौक को रखा था, जाम सी है ना नाली सी। जंग जंग सा निकल रहा अंदर से मिट्टी मिट्टी। तो यही एक कारण होता है जब आपकी गाड़ी हीट करती है ना, जो मेरे पास कई वीडियो में कमेंट भी आया कि हीट हो रही है, क्या हुआ, सब कुछ सही कर देख लिया। तो अब आपको ये भी काम करवा के देखना चाहिए रेडिएटर की सफाई। एक भाई का कॉल आया था मेरे को नोएडा से, क्रॉसिंग के पास से। तो उनकी भी कार का ऐसे ही सीन था हीटिंग का, तो अब शायद उन्होंने रेडिएटर साफ कराया नहीं कराया बोला था। तो देखते क्या होता है, हमारे तो इससे अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो सब सही है। ये जो काम मैं करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ RDC में, ये गौर मॉल की बैक साइड है, अगर आपको RDC समझ आया। यहाँ वाइन शॉप है सुनील मिश्रा, यहीं पे है दुकान जहाँ रेडिएटर साफ हो जाता है। तो
रेडिएटर की सफाई समय समय पर करा देनी चाहिए, जब भी आपको टाइम लगे कि यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, हीटिंग ज़्यादा हो रही है गाड़ी में, हीट ज़्यादा कर रही है, तो रेडिएटर जरूर चेक करवा लें और सफाई करवाएं। साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल, जैसे भी आपको टाइम लगे, यही हाथ आ जाए तो करा लो। नहीं, बुरबुर तो नहीं उठे भी। सही है ना? हाँ। हो गया कंप्लीट काम। रेडिएटर की सफाई हो चुकी है, लगने के लिए तैयार है। अभी कैन लगा रहे हैं इसका, रिजर्वायर। अब इसमें कूलेंट भी नया डलवाएंगे, चेंज करवाएंगे। और हमारा जो रेडिएटर साफ होने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है, बहुत मिट्टी निकली इसमें, सारे पाइप जोड़ रहे हैं इनके। कंडेंसर तो साफ है ना तुझे? अब फैन लगाया जा रहा है, सेंसर कनेक्ट कर दिया, मतलब तार कनेक्ट कर दिया है।
तो बन चुका है, बन चुकी है गाड़ी, अब थोड़ा सा रह गया काम, ये वाला लगना रह गया बस, इसको लगा तो कूलेंट पड़ेगा 2 लीटर के आसपास। कूलिंग पड़ेगी या वैसे बंद आएगा? अच्छा अच्छा तो मैं अपनी गाड़ी का जो काम कराता हूँ वो यहीं कराता हूँ, AM मोटर पी ब्लॉक सेक्टर 23 संजय नगर। अभी बोर्ड दिखाएंगे आपको, तो कोई भी काम हो यहाँ पे आप आ सकते हैं, असलम भाई का नाम पूछ लेना, पी ब्लॉक में आकर कहीं भी असलम भाई का नाम पूछ लो, तुरंत पहुँचा देंगे आपको। थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, रस्टिंग ना है इसलिए ये स्प्रे करा जा रहा है। गाड़ी की आवाज़ भी अच्छी हो गई, बदल गई, तो काम कंप्लीट हो गया, कूलेंट भी पड़ गया और इसके वो भी पड़ गए सॉकर माउंट, रेडिएटर भी हो गया क्लीन और वो भी डल गया ढंग से। तो वीडियो भी यहीं एंड करता हूँ, और तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, अगर कोई क्वायरी हो तो बताना, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ हीट वाला इशू अब नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा।